यूपी को पीएम मोदी ने दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा। उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की, सुखोई राफेल ने दिखाई ताकत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, यूपी में पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े होने से डरते थे, कहीं काम का हिसाब न मांग लिया जाए। कल यूपी में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार होगा, चित्रकूट में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर संवाद करेंगी। कल से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर, रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 18 नवंबर को पहला जत्था पाकिस्तान जाएगा, पहले जत्थे में होंगे 250 लोग। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। यूपी के गोरखपुर में अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, कहा इत्र से अखिलेश के दुष्कर्म नहीं छिप सकते, अखिलेश तो मियाओं की सरकार के थे। करतारपुर कॉरिडोर के पहले जत्थे में जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कहा पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकेंगे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान रुद्रपुर में बंगाली समुदाय से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नड्डा ने कहा बंगाल में ममता बनर्जी के राज में लोगों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले व्यापारियों को साधने निकले आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, व्यापारियों से बातचीत में कहा बनवाएं आम आदमी पार्टी की सरकार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ज्यादा है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बस बीजेपी की एक फैक्ट्री चालू है जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है। यूपी के कासगंज मामले में मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां ने सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही कहा अल्ताफ का एम्स के डॉक्टरों से दोबारा पोस्टमार्टम हो, कासगंज के थाने में हुई थी अल्ताफ की मौत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर नए आरोप, कहा वानखेड़े ने अपने रिश्तों की वजह से फैशन टीवी के मालिक काशिप को गिरफ्तारी के दौरान जानबूझकर छोड़ा था। केंद्र से राज्य सरकारों के लिए अच्छी खबर, नवंबर महीने में केंद्रीय टैक्स के हिस्से की एक नहीं बल्कि दो किस्तें राज्य सरकारों को साथ में मिलेंगी। तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा अनुष्ठान में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कोर्ट ने कहा हम नहीं बताएंगे कि पूजा कैसे हो, नारियल कैसे फोड़ा जाए, पूजा में धार्मिक नियम ना माने जाने की एक याचिका पर कोर्ट ने दी है ये टिप्पणी। पटना में सीएम आवास से जुड़े सचिवालय के पास कूड़े में मिली शराब की खाली बोतलें, आज ही सीएम नीतीश ने शराबबंदी सख्ती से लागू करने के लिए समीक्षा मीटिंग की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 12 करोड़ की ठगी के आरोप में जेपी ग्रुप के मालिक की बेटी रीता दीक्षित और उनके पति विजय कांत दीक्षित को गिरफ्तार किया। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश भी हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब हरियाणा से पराली से प्रदूषण रोकने पर सहयोग मांगा। नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के जरिए घर की सजावट को एशियन पेंट्स ने पहले के मुकाबले अब और आसान बना दिया है। एशियन पेंट्स कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आया है। एशियन पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सिंघल ने बताया कि अब एक छत के नीचे किचन प्रोडक्ट्स, फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, कार्पेट्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। पहाड़ों पर लगातार हो रही है ठंड, बद्रीनाथ धाम में रात का तापमान -4 डिग्री तक गिरा, धाम के पास के नदी नाले ठंड में जम गए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ी, मुंबई पुलिस को इनके खिलाफ धोखाधड़ी की 3 और शिकायतें मिली, पुलिस शुरू करेगी जांच। T20 वर्ल्ड कप से लौट रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की 1.5 करोड़ की 2 घड़ी कस्टम विभाग ने जब्त की, हार्दिक ने सफाई दी, कहा सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ रही है, मैंने एजेंसी को पूरी जानकारी दे दी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले
नए कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। द्रविड़ बोले, हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम नहीं होगी, हाँ कुछ खिलाड़ी बदले जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली को दिया गया है आराम। ABP News आपको रखे आगे।